आज की क्लास में हम लोग असाइनमेंट के एक्सरसाइज 4 को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज आपको रेस्पिरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन से संबंधित है, अर्थात कृत्रिम श्वास से संबंधित क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में आपको करने के लिए मिलेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति विद्युत झटके से जल जाता है तो उसे प्राथमिक उपचार दिया जाता है, जले हुए व्यक्ति को किस प्रकार का प्राथमिक उपचार दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा कि हम लोग उस व्यक्ति के शरीर को साफ कपड़े से या पेपर से ढक देते हैं, कवर विथ क्लीन पेपर एंड। सेकेंड क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति को बड़ा घाव हो जाता है तो प्राथमिक उपचार तुरंत दिया जाता है, बड़े घाव के लिए किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, साफ कपड़े से उस घाव को ठंडे पानी से साफ करना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर कस कर हम लोग को बैंडेज जो होता है वो टाइट कर के कस देना चाहिए। अप्लाई अ क्लीन पैड एंड बैंडेज फॉर्मली। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर में विद्युत झटके से व्यक्ति बेहोश हो जाता है या सांस लेने में कठिनाई महसूस करता है, इस व्यक्ति पर किस प्रकार का प्राथमिक उपचार अपनाना चाहिए? आंसर होगा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, अर्थात कृत्रिम श्वास उस व्यक्ति को देना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं, यहां पर MCQ प्रकार का बहु वैकल्पिक कुछ आंसर दिए हुए हैं क्वेश्चन के, इनमें से हमको उसके आंसर को चूज करना है। क्वेश्चन है, यदि मरीज के मुख से की पुनर्जीवन उपचार प्रक्रिया नहीं कार्य करता है तो प्राथमिक उपचारक को तुरंत क्या करना चाहिए? तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें बी ऑप्शन में है, व्यक्ति की आंखें तथा नाड़ी, जिसको हम लोग इंग्लिश में पल्स कहते हैं, को चेक करना चाहिए, यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति विद्युत झटके से बेहोश हो जाता है, हम उसे निम्न दे सकते हैं, हम विद्युत झटके से बेहोश व्यक्ति को क्या दे सकते हैं? तो यहाँ है कुछ ऑप्शन, गुनगुने जल, ठंडा जल, गर्म कॉफी और कुछ नहीं। तो इसमें आंसर होगा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न विद्युत मात्रा की दर्दनाक झटके दे सकती है, यानी कौन सा करंट का मान कितना है जो कि काफी दर्दनाक झटका दे सकता है? 3 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर और 50 मिली एम्पियर। आंसर होगा आपका 50 मिली एम्पियर। एक है, एक आम आयु और स्वस्थ वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध मान होता है। यहाँ क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि एक स्वस्थ आदमी और जो 18 साल से ऊपर उम्र का है, उस शरीर का टोटल जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, टोटल जो शरीर का प्रतिरोध होता है वो कितना है? तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ 1 किलो ओम, 10 किलो ओम, यहाँ पर गलती से यहाँ पर 1 किलो ओम दिया हुआ है और यहाँ पर 0.5 किलो ओम दिया हुआ है। तो यहाँ 1 किलो ओम जो ऑप्शन होगा वही आपको सही है, 1 किलो ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ आप देखिए कि कुछ कृत्रिम श्वास जो देते हैं हम लोग, उसका अलग अलग पोजीशन यहाँ पर आपको दिखाया गया। तो कौन सा पोजीशन के साथ हम लोग को क्या मैच करना है,
ऊपर जो फिगर आप देख रहे थे उनका कुछ नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है, किस फिगर के साथ हमको किस ऑप्शन को मैच करना है। जैसे फर्स्ट में लिखा हुआ है नील्सन के आर्म भुजा की विधि से पीड़ित व्यक्ति के फेफड़ों से हवा को बाहर निकाल दिया जाता है, तो इसका होगा एफ नंबर का जो फिगर था वो। सेकंड में है सैफर की विधि में वायु को फेफड़ों में भरने दे, इसका आंसर होगा बी फिगर में जो आपका दिया हुआ है फिगर वो। तीन नंबर क्वेश्चन है वायु भरने से पूर्व नाक को बंद करें, वायु रोधी संपर्क बनाए, इसका ऑप्शन होगा डी नंबर वाला फिगर। पीड़ित को प्राकृतिक श्वसन की सैफर विधि में लिटाए, ए नंबर वाला फिगर यहां पर मैच होगा। मुख से मुख पुनर्जीवन विधि के लिए तैयार करें, सी नंबर वाला फिगर इसके साथ मैच होगा। सीने तथा पेट में चोट वाले व्यक्ति के लिए उचित, डी नंबर वाला फिगर इसके साथ मैच होगा। सात नंबर क्वेश्चन में है नील्सन की विधि से प्राकृतिक श्वसन के लिए पीड़ित व्यक्ति को लिटाए, ई नंबर वाला फिगर इसके साथ मैच होगा। कभी कभी पीड़ित व्यक्ति के पेट में हवा प्रवेश करती है जिससे पेट फूल जाता है, सांस छोड़ते समय धीरे से दबाते हुए हवा को बाहर किया जाता है, डी नंबर वाला फिगर इसके साथ मैच होगा। लास्ट जो छह फिगर के साथ जो आठ ऑप्शन था उसका ये आंसर है। आज के वीडियो में हम लोगों ने असाइनमेंट के फोर नंबर एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा आईटीआई करने वाले दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।